हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आलू मटर की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इतनी सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ले लिया है, आलू टमाटर और प्याज को मैंने कट कर लिया है, और साथ ही कुछ गार्लिक ले लिया है, हरे मटर ले लिया है आप देख सकते हो, और हरी मिर्ची ले लिया है, कुछ कड़ी पत्ते भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लूँगी। कढ़ाई जब बहुत ही अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूँगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा कढ़ाई गरम हो जाए अच्छे से, उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा। यहाँ पे मैं एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करूँगी और कुछ कड़ी पत्ते लूँगी, तो उसके भी ऐड कर लेना है। अगर आपके पास कड़ी पत्ते इस तरह से फ्रेश नहीं है, तो आपके पास जो भी ड्राई भी होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका जो अच्छा सी फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो फ्रेंड्स, वही हिसाब से आप यहाँ पे हरी मिर्ची बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी ये कलर चेंज हो जाएगा गार्लिक का, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। सो गाइस, हमारा जो मसाला है वो मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को चॉप करके रखा हुआ था, उसे ही ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इसका थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो जाएगा, तब तक का इसको भूनना है। तो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ऑनियन का जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया है दोस्तों। बहुत ही यम्मी डिलीशियस लगती है ये सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा मसाले वगैरह लगते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को कट कर लिया था, तो वही मैंने ऐड किया है। अगर आप गांव साइड जानते हो दोस्तों, तो वो साइड ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा बनती है, अक्सर गांव में ये सब्जी बना करती है, बहुत ही मज़े की लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने नमक को ऐड कर लिया है ताकि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। जो भी हमने मसाले ऐड किए थे वो भी अच्छे से भुन जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम कुछ सूखे मसाले भी लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच, साथ ही रेड चिल्ली पाउडर भी लेंगे 1 छोटा चम्मच। तो बस इन सब मसालों को मिक्स करना है और कुछ हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इतने में ही हमारी टेस्टी सब्जी बनकर झटपट से तैयार हो जाएगी। बस इतने मसाले हम अच्छे से भून लें, वही काफ़ी है। तो इसको अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट तक का। तो चलिए मैं आपको भून के बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो है वो भून चुके हैं दोस्तों। तो हम इसमें ही हम हरे मटर को भी ऐड करेंगे ताकि वो भी अच्छे से, जो भी नमक है हमने मसाले ऐड किए हैं, वो हरे मटर के अंदर भी अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। तो आप यहाँ पे नज़दीक से देख सकते हो कि मैंने किस तरह से झटपट से मसाले को भून लिया है। तो ये देखिए कितना यमी डिलीशियस लग रहा है इसका मसाला, तो बस बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों। इसको सिर्फ आप प्लेन चपाती के साथ खाइए, बहुत ही, या फिर स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ पे ये सब कुछ मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, फाइनली आलू ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू ले लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है क्यूब साइज़ में। आप यहाँ पे आलू की और मसाले की मात्रा भी बढ़ा सकती हैं ज़्यादा सब्जी बनाने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके
थोड़ा इसमें पानी ऐड करके इसको पकने देंगे 5 मिनट तक का। ऑलरेडी मसाला सारा कुछ भुना हुआ है, सिर्फ हमारा आलू जो है वो अच्छे से गल जाए, बस इतना ही करना है। और जो मसाले भी है वो आलू में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, आलू हमारा कितना खिला खिला लग रहा है। अभी ये थोड़ा टाइम, 5 मिनट ही हमें लगाना है इसको, बस ये बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दूंगी मैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये कितना, आप इसको इसमें पानी डाल के थोड़ा पतली ग्रेवी भी बना सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पूरी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करने वाला हो जाएगा ये। या फिर आप सूखा भी बना सकते हो फ्रेंड्स, या आप सुबह में नाश्ते में भी बना सकते हो ये। तो अब यहाँ पे मैं धनिया पत्ता ऐड करूँगी। ऑलरेडी मैंने नमक वगैरह ऐड कर लिया था, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। तो धनिया पत्ता ऐड करके मैं मिक्स करके इसको ढक के पकाऊंगी 5 मिनट तक का, फिर उसमें हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं इसको ढक दूंगी। तो चलिए, हमारे मसाले जो है सारा कुछ मिक्स हो गया है, अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी हुई या नहीं। तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट जो है पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी रसीली आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे जब चाहे बनाकर खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और हमारा आलू जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आलू वगैरह अच्छे से गल गया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स हो गया है, ये सारा कुछ पक गया है। अब इसमें इसको गर्मा गर्म सर्व करके बताऊँगी। तो चलिए, गर्मा गर्म मैं आपको सर्व करके बता देती हूँ दोस्तों। तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए आलू मटर टमाटर और प्याज की लाजवाब सब्जी, जो कि बनने में बहुत ही ज़्यादा झटपट है और खाने में यमी और डिलीशियस है दोस्तों। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। अगर आप बच्चों के लिए बनाओगे तो तीखा कम कर दीजिए, वरना आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो ठीक है। और साथ ही आप टिफ़िन में खुद भी लंच में लेके जा सकती हैं। तो देखा आपने कितना झटपट से बनकर तैयार हो गया है। अक्सर आप लोग की शिकायत थी कि मैम आप कोई रेसिपी शेयर नहीं करते हो। तो जी बिल्कुल, आप लोग ने सही कमेंट्स किया कि मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स। तो काफ़ी रिक्वेस्ट थी जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो बारी बारी ही मुझे पूरा करना होता था, तो इसके लिए मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने ये गर्मा गर्म आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनाकर आपको ये रेसिपी बताई है, जो कि झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आई होप कि ये सब्जी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको देखना है, आप वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब